हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 7 पॉइंट मैं पढ़ा चुका था, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए जो बीच बीच में मेरे वीडियो फिर बाद में आते रहेंगे। आज की क्लास में मैं आपको एच पॉइंट पढ़ाऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं 2017 मेंस में पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन 10 में से, ट्रिग्नोमेट्री के 10 में से 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एग्जाम देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक पक्का आएगा। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एच पॉइंट। और जैसा मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ाया है, जैसा मैंने ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ाया है, जैसा मैंने मेंचुरेशन पढ़ाया है, एक बार मुझसे आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़ लोगे, आप किसी भी बुक का, किसी नोट्स का, किसी एग्जाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे। क्या आप मुझे ये बताओ मिनिमम मैक्सिमम कंप्लीट पढ़ चुके हो क्या? मिनिमम मैक्सिमम कंप्लीट आप लोग सारे के सारे 3 वीडियो जो मैंने बनाए, कंप्लीट तीनों वीडियो आप लोग देखो, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हम लोग क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उन वीडियोस को एक बार देखिए, कंप्लीट देखिए आप लोग। अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत करते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, इसके 3 या 4 वीडियोज़ होंगे, उसके बाद आप लोग इसको कंप्लीट पढ़ने की शुरुआत कर दोगे। तो ये अपने पास कोई भी मान लो बिल्डिंग है, यहाँ से नीचे से इसके टॉप को अगर देख रहे हो, इससे इसके टॉप को अगर देख रहे हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई व्यक्ति उस बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, उसके टॉप पर खड़ा है और वो नीचे की तरफ अगर देखे, तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अवनमन कोण यहां पर बनता है, जो साफ साफ गलत होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये बाहर की तरफ सामने ऐसे ये अपने पास लाइन होगी, और इसे जितना नीचे की तरफ आप लोग देख रहे हो, ये बनता है अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा, आप लोगों को ये पता हो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा जो होगा अपने पास वो होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको ये 5 पॉइंट पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, उल्टा भी याद होना चाहिए कि कभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर हैं तो आप साइन थीटा लिखोगे, उल्टा याद होना चाहिए इसमें, बेस और हाइपोटेनस हैं तो आप लोग कोस थीटा लिखोगे, और परपेंडिकुलर और बेस अगर हैं तो फिर आप लोग टेन थीटा लिखोगे। ये 5 पॉइंट अगर आपको पता है तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ें याद करेंगे। आप लोग चाहे अगर इतना आता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ कैसा भी आ जाए, इन 5 पॉइंट से ही आप लोग कर सकते हो। अगर एक टेबल अगर याद है तो 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू आपको पहले से ही याद होगी, मैं पहले ही वो चीज़ें बता चुका हूँ। सी पॉइंट में मैंने टेबल बनाना आपको सिखा दिया था। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट, ऐसा नहीं है ये याद नहीं होना चाहिए आपको, मैं जो टाइम बचाने के लिए याद करूँगा, मैं ऐसे याद नहीं करूँगा आपके, आपको ये कोण अल्फ़ा है, ये कोण बीटा है, तो ये वाली साइड होगी एच कोट टेन अल्फ़ा माइनस एच कोट टेन बीटा, ये अगर एच है तो ये वाली जो साइड होगी ये होगी एच कोट अल्फ़ा माइनस कोट बीटा, ये याद कर लो। दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो ये याद कर लो, तीसरा क्वेश्चन आ जाए तो ये याद कर लो, ऐसी चीज़ें मैं याद नहीं करूँगा। मैं आपको इस टाइप के पॉइंट्स याद करवाऊंगा जो हर क्वेश्चन में काम में आएंगे, और प्री में क्वेश्चन आप लोग देखते ही करोगे, तुरंत आप लोग देखना, खुद ही देखना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस जैसे जैसे मैं बताता चलूँ वैसे वैसे वो चीज़ें आप लोग करते चलो, अपने आप चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी, खुद ही याद हो जाएंगे, मतलब याद भी नहीं करना। लेकिन ऐसे फॉर्मूले, जितने ज़्यादा फॉर्मूले आप लोग रटोगे उतने ही आपके कम नंबर आएंगे, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि आज आप लोग पढ़ रहे हो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आज आप लोग पढ़ रहे हो, अभी क्वेश्चन आपने किया है, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला बता दिया, तो तुरंत आप लोग सोचोगे अरे ये तो ठीक है ये फॉर्मूला। लेकिन आपका एग्जाम आज से कम 6-7 महीने बाद होगा, या 4 महीने बाद होगा, या मेंस कम से कम 7 या 8 महीने बाद होगा, उस टाइम तक इतने फॉर्मूले हो जाते हैं, फिर हर क्वेश्चन का फॉर्मूला बन जाता है, और फिर वो फॉर्मूले याद ही नहीं रहते, और फिर सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें हमें याद करने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ 5 पॉइंट पता होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में चीज़ें लगें वो हम लोग अब आपको मैं बताऊंगा, वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो ये हर क्वेश्चन का फॉर्मूला याद मत करना,
जो हर क्वेश्चन में चीज़ें लगे वो पॉइंट्स हमें याद करनी है। 5 पॉइंट अगर हैं तो आप लोग क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। देखो दो, ये आपको पता होगा कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस है, ये चार वीडियोज आएंगे, चारों वीडियो आप कंप्लीट देखना, फिर क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू कर दोगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप लोगों को जैसा पता है ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर या मदर्स एजुकेशन हब कहीं भी आपको ज्वाइन करना है, मेरा बैचेज शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो आप लोग उनको देख सकते हो। अनअकैडमी पर अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो मेरे चैनल का नाम लिख देना, तो आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे आज कल या परसों में, तो जो भी ज्वाइन करे तो चैनल का नाम लिख देना ताकि आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाए। विदाउट इस नाम के आप फीस मत जमा करवाना, ताकि क्योंकि उससे डिस्काउंट आपका होगा नहीं। तो विदाउट स्पेस मैथ्स विद पवन राव, देखिए मैं आपको समझा रहा था कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो और चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। फिर हमें क्यों ज़रूरत है इनको समझने की? ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखें तो जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। देखो क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, एक बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होते तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि मान लो कोई भी टावर है या कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, इस टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप को देखने पर, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब दूसरे टावर की हाइट ज़्यादा है। ध्यान रखना, इसके टॉप से दूसरे टावर के फुट का तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, चाहे दूसरे की हाइट कम हो चाहे दूसरे की हाइट ज़्यादा हो, लेकिन इसके टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि अपने पास दूसरे टावर की हाइट ज़्यादा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आसान हो जाएंगे मेरे पढ़ाने के बाद, इतने ज़्यादा आसान हो जाएंगे, बस आप लोग 3, 4, 5, 7 सेकंड में ही आंसर कर पाओगे। और जो मैं बोलता हूँ वो होता है, आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता कभी भी कि ये बोल दिया जाए ये हो गया वो बोल दिया जाए और फिर करवाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होता। हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस वो फास्ट तरीके से आप कर पाओगे, जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ उसको आप लोग याद कर लीजिए। आपको प्रॉब्लम आएगी डायग्राम बनाने में, डायग्राम बनते ही क्वेश्चन सोल्व है, डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आएगी, और डायग्राम तब तक नहीं बन पाएगा जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे और ये चीज़ें नहीं पता करोगे आप। जैसे कोई बैलून है, व्यक्ति की आंख पर कौन बनाता है, तो जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन नहीं किया, व्यक्ति की आंख पर कौन बना रहा है, तो ये कौन होगा, व्यक्ति की आंख पर कौन बना रहा है 30 डिग्री। बैलून जो है वो व्यक्ति की आंख पर कौन बना रहा है, तो क्या ये कौन होगा 30 डिग्री, या व्यक्ति की आंख पर अगर कौन बना रहा है तो यहाँ से कौन होगा 30 डिग्री। कोई हवा में बैलून है जो व्यक्ति की आंख पर कौन बना रहा है, तो व्यक्ति की आंख पर जो कौन बना रहा है वो अपने पास इस टाइप से बनेगा। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम की क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम कैसे सीखोगे, वो चीज़ें मैं एक बार आप लोगों को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोण अपने पास थीटा है, ये कोण अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर है तो दूसरे टावर की हाइट ज़्यादा होगी, और इसके टॉप से, पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर है, इसका मतलब दूसरे टावर की हाइट कम होगी। पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि अपने पास हाइट ज़्यादा होगी दूसरे की, और पहले के टॉप से दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बन रहा है तो दूसरे टावर की हाइट हमेशा कम होगी। तो पहले अगर एलिवेशन बने तो डायग्राम ऐसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बने तो डायग्राम ऐसे बनेगा। फुट पॉइंट के साथ तो हमेशा और हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होता है, आप लोग ये बात ध्यान रखना। फुट पॉइंट के साथ जो बनता है वो हमेशा, चाहे दूसरे की टावर हाइट ज़्यादा हो चाहे दूसरे की हाइट कम हो, अपने पास उसमें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा इसके टावर के टॉप से। तो अपने पास समझ में किससे आएगा, दूसरे टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऐसे, दूसरे टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इस प्रकार से। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए आप लोग, छोटे छोटे पॉइंट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास ये कोण अगर 30 डिग्री हो, या ये कोण अल्फा अगर हो, एक बार ये मैं बता देता हूँ, ये अल्फा हो और ये अगर बीटा हो, और ये दूरी ए है और ये दूरी अगर बी है, तो ध्यान रखना इसके हाइट का फॉर्मूला होगा रूट ए बी। कब? जब अल्फा और बीटा दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री हो रहा हो, तो
अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, जिन दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री हो जाए उसको पूरक कोण बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इन दोनों का सम अगर कभी भी 90 डिग्री है, अल्फा और बीटा का सम अगर कभी भी 90 डिग्री है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, अल्फा और बीटा अगर 90 डिग्री है तो अपने पास हाइट का फॉर्मूला होगा रूट ए बी। यहाँ 30 आ जाए, यहाँ 60 आ जाए, पहला एक नंबर पॉइंट में वो पहले बताया, ये दो नंबर पॉइंट मान लो आप। तो कभी भी अगर अल्फा और बीटा अपने पास 90 डिग्री अगर है, 30 और 60 अगर आ जाए, तब तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो। लेकिन कभी कभार ऐसे आ जाएगा कि ये 18 डिग्री है और ये 72 डिग्री है, और ये अपने पास 9 है और ये अपने पास 4 है। तो 18 डिग्री साइन 18 की वैल्यू, कोस 18 की वैल्यू, टेन 18 की वैल्यू, ये वैल्यूज़ आपको नहीं पता तो आप लोग ध्यान, या 20 और 70 आ जाएगा तो आप लोग 20 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, साइन 20 की वैल्यू। तो आप लोग ध्यान रखना, जब अपने पास इस प्रकार से आ जाए, 30 60 आ जाए, तो आप लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री भी। लेकिन ऐसा अगर आ गया तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो रूट ए बी होता है। 9 × 4 = 36 का रूट अपने पास कितना आ जाएगा, 6। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, अपने पास ये वाली जो साइड होगी ए, ये होगी अपने पास एच कोट अल्फा, या ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे तो एच अपॉन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा, और एच अपॉन बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन बीटा। और हम लोग टेन बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा भी आप लोग लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो एच बाई बी बराबर ये आ गया कोट अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, टेन 90 पर चेंज होगा कोट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। अब टेन अल्फा ये है और टेन बीटा कोट अल्फा ये है, दोनों को गुना कर दो, टेन इंटू कोट, यहाँ तो 1, और यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए बी। तो एच का मान जो होगा वो होगा रूट ए बी, ये अपना आंसर होगा। तो ये बात आप लोग आया कैसे, वो तो मैं हर बार ही समझाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, एच बराबर होता है रूट ए बी, ये अपना आंसर होता है। देखिए अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, पॉइंट नंबर 3। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी, तो इसको आप लोग याद रखना। 3 नंबर जो पॉइंट है वो ऐसे है, 3 नंबर जो पॉइंट है वो इस प्रकार से अपने पास कि अगर कभी भी ये 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ये यहाँ से 30 डिग्री था और ये यहाँ से अगर 60 डिग्री है, तो रेशियो अपने पास होगा 1:2। 30 और 60 अगर है तो अपने पास रेशियो जो होगा वो 1:2 होगा, 1:2 का रेशियो होगा। ये अपने पास अगर 10 है तो ये अपने पास 5 मीटर होगा। अब कुछ स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ जहाँ पर भी बैठे हो, घर पर बैठे बैठे खुद ही समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि ये अगर अपने पास 40 डिग्री है और ये अपने पास 80 डिग्री अगर है तो ये रेशियो 1:2 होगा। ध्यान रखना, कोण डबल होने पर नहीं हो रहा है, एंगल डबल होने पर नहीं हो रहा है कि 15 की जगह 30 आ जाए तो डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, 30 और 60 में होता है, क्योंकि बार बार आता है, बार बार आता है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं। प्री में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, फिर मेंस के लेवल का भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्री के लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर मेंस के लेवल के हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, और 2017 मेंस के फिर सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। 2017 मेंस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, 6 पेपर में 18 क्वेश्चंस आए थे, उन 18 क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 या 12 मिनट ही लगेंगे, आप खुद देखना उन क्वेश्चंस को। 2017 मेंस के 18 क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, 18 क्वेश्चंस कंप्लीट सोल्व हो भी जाएंगे, हो सकता है किसी ने प्रैक्टिस ठीक ठाक कर ली तो 6-7 मिनट में ही कर ले। देखिए, कोई पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 20 मिनट लगे हैं, पहले कोण बन रहा था 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी तरफ आने में अब 60 डिग्री का कोण बनने लग गया, तो अब फुट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो दूरी अगर आधी होगी तो क्या टाइम भी आधा हो जाएगा क्या, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 10 मिनट। अब ये इतनी जगह काम में लेंगे, आप लोग खुद देखना कि कितनी जगह मैं इस एक कॉन्सेप्ट को ही काम में लूँगा जब क्वेश्चंस करवाऊँगा, देखो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, इनको याद रखोगे तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास ये, मुझे बताओ, इधर कोण अगर 60 डिग्री है और ये दूरी अगर a है, तो इधर अगर 60 डिग्री का कोण बनाऊं मैं तो ये दूरी भी कितनी होगी, a, दोनों तरफ बराबर बराबर ही होनी है, और ये अपने पास, या इसको 1 मानते हो तो ये भी 1 होता है, और ये अपने पास जो एंगल है फ्रेम में सही है क्या सर, ये 30 डिग्री, तो ये अपने पास होता है 1:2।
ये रेशियो 1:2, तो टोटल 30 डिग्री तक हम लोग क्या यहाँ तक 3 लिख सकते हैं क्या, अगर ये बीच वाला मिटा दूँ तो मैं। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों तरफ दोनों बार एक ही तरफ आए, ये 60 डिग्री वाला पलट कर अगर इधर बन जाए तो इधर ये एक हो जाएगा और 30 डिग्री तक की जो दूरी होगी वो 3 हो जाएगी। अब रेशियो आ गया 1:3। सेम पॉइंट को आप लोग बदल सकते हो, ये ध्यान रखना, ये मैं बहुत ज़्यादा जगह काम में लूँगा, बड़े बड़े क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आपके बिना पेन चलाए सोल्व होंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। झील वाले क्वेश्चन हैं वो छाया बन जाती है, ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, नीचे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, झील में बादल की छाया बन रही है, एरोप्लेन की छाया बन रही है, उन क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए करोगे, लेकिन आप लोग ये कॉन्सेप्ट एक बार समझिए। देखो ये वाला जो डायग्राम है, इधर 30 डिग्री है और इधर 60 डिग्री है, तो 60 तक अपने पास ध्यान रखना 60 तक 1 होता है और ये 3 होता है। ये सेम डायग्राम यहाँ पर मान लो दो पोल हैं, ये सेम डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, इसको पलट दो इधर, इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दो और इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दो, सेम डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने पास अगर 30 डिग्री है और ये अपने पास अगर 60 डिग्री है, इसी डायग्राम को हम लोगों ने ऐसे पलट दिया तो ये अपने पास एक होगा और ये अपने पास कितना होगा, 3 होगा। 30 के पास 30 की तरफ ध्यान रखना 30 होगा और 60 की तरफ एक होगा। ये रेशियो याद रखना 1:3, ये 1:2 होता है क्योंकि टोटल 3, ये एक, तो 1:2 अलग अलग बन जाए तो 1:3, ऐसे भी बन सकता है अलग अलग 1:3, ये अपने पास ऐसे आ सकता है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, ये था पॉइंट नंबर 3। अगला समझाता हूँ मैं चार नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये एंगल अगर अपने पास चार नंबर अगर कभी भी ये एंगल 45 डिग्री आ जाए, प्री के क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो मैं बेसिक से भी करूँगा क्वेश्चन, दोनों तरीके से ही हम लोग करेंगे क्वेश्चन, हम लोग बेसिक तरीके से भी करेंगे और इस मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये अपने पास 45 डिग्री, ये अपने पास 45 डिग्री, ये दोनों बराबर हैं, ये 45 डिग्री दे दिया, तो एक ट्रायंगल में अगर ये 45 डिग्री हो, ये 90 हो, तो तीसरा भी कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 दिया हुआ है, तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा अपने पास 45, तो क्या दोनों बराबर होनी है क्या, तो ये ए अगर होगा तो ये भी ए होगा और ये कर्ण हो जाएगा √2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा अपने पास √2 हो जाएगा। फिर से ध्यान देना, अगर कभी ऐसा हो, देखो मैं यहीं समझा देता हूँ, अगर कभी ऐसा हो कि 45 डिग्री है तो ये अगर 20 है तो ध्यान रखना ये भी 20 होगा और कर्ण फिर √2 हो जाएगा, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना आपको, साइन 45 कोस 45, 45 अगर आ जाए तो फिर हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगर ये 30 डिग्री हो, अगर ये 30 डिग्री हो तो ये कितने डिग्री होगा 60, और अगर ये 60 डिग्री हो, ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग याद रखना, कंप्लीट प्री के क्वेश्चन सारे के सारे इस एक ही चीज़ से सोल्व हो जाएंगे, ये याद रखना आप लोग, और ये होता है कितने डिग्री होगा 30। हम लोगों ने 30 हो तो 60, 60 हो तो 30 और 45 ले लिया है, इसके अलावा एंगल हो सकता है क्या, 30 ले लिया, 45 ले लिया, 60 ले लिया, आप बताओ इसके अलावा ट्राइंगल का कोई एंगल हो सकता है क्या, हो तो सकता है, जिन लोगों ने नाम में आंसर दिया वो लोग ध्यान देना, हो तो सकता है ऐसा हो जाए कि 40 डिग्री हो, लेकिन ये 40 होगा तो फिर ये कितना होगा 50। मुझे ये बताइए आप लोग, क्या आपको साइन 40 की वैल्यू पता है क्या, या कोस 40 की वैल्यू, या टेन 40 की वैल्यू, या 50 की वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो फिर आपको वैल्यू कौन कौन सी पता रहती है, 0, 30, 45 और 60 और 90। क्या ट्रायंगल का एक एंगल वो 0 डिग्री दे सकता है क्या, आप बोलोगे नहीं, ट्रायंगल बनेगा नहीं। 30 दे सकता है, हमने ले लिया है, 45 दे सकता है, ले लिया है, 60 दे सकता है, ले लिया है, 90, ट्रायंगल का क्या दूसरा एक और एंगल 90 डिग्री हो सकता है क्या, दो एक ही ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते कभी भी, तो ये बात ध्यान रखना, हमें ना तो साइन 40 का पता, ना कोस 40 का पता, तो ऐसे क्वेश्चंस वो ऐसी वैल्यूज़ नहीं देगा, और ऐसी वैल्यू दे दिया तो फिर उसमें 10-40 का मान क्या होगा वो दिया हुआ मिलेगा, तो वो क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, एक बार आपको बेसिक मैं क्लियर करवा रहा हूं, तो आपको कौन कौन से दे सकते हैं 30, 45 और 60, और ये चीज़ें अगर एक बार आपके माइंड में सेट होगी तो फिर आप खुद देखना कि कितना फास्ट कर पाओगे। ध्यान रखना 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है, 60 के पास वाली साइड छोटी होती है, छोटा या बड़ा जब भी बनाना आपके पास एक ही नंबर है √3। 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी,
किसी भी साइड को छोटा बनाना या बड़ा बनाना, आपके पास एक ही नंबर है रूट थ्री। लगे बड़ा बनाऊं मैं तो रूट थ्री से गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, लगे छोटा बनाना है तो रूट थ्री का भाग दे देना। जैसे कुछ लोगों ने इनका रेशियो भी याद कर रखा है, वन वन रूट टू वन, ये अपने रेशियो भी याद कर रखा है, लेकिन मैं रेशियो से नहीं पढ़ा के आपको एक बार देखना आप कितना फास्ट कर पाओगे इन चीज़ों को, लेकिन पढ़ना कंप्लीट कंप्लीट चीज़ें पढ़ना। तो ये अपने पास अगर एक्स है तो आपको सोचना है 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी, छोटा कौन है पास वाली साइड बड़ी होगी, बड़ा कौन है पास वाली साइड छोटी होगी। तो 30 के पास वाली साइड बड़ी, बड़ा बनाना है छोटा, एक ही नंबर है रूट थ्री, तो ये आ जाएगा रूट थ्री एक्स। जैसे ये अपने पास है मान लो 5, तो आपको सोचना है कि 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी, आपको कहोगे बड़ी, बड़ा बनाना है तो रूट थ्री से इंटू कर दो 5√3, छोटा बनाना होता तो रूट थ्री का भाग दे देते। देखो ये जो है अपने पास ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, मान लो कोई कहे 40 है, तो आपको सोचना है 60 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी, आप तुरंत बोलोगे छोटी, दिमाग में तुरंत आएगा छोटी, तो छोटा बनाना है तो बताओ इंटू करूँ या डिवाइड करूँ, डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा बनाना है तो किसी संख्या में डिवाइड करना पड़ेगा, बड़ा बनाना है तो इंटू करना पड़ेगा। जैसे मैं फिर समझाता हूँ, जैसे ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल अपने आप 60 आ जाएगा और ये दिया हुआ हम लोगों को 20, तो बताओ 60 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी, आप कहोगे छोटी, तो छोटी होती है तो 20√3, छोटा बनाना है तो भाग दे दो, बड़ा बनाना है तो इंटू कर दो। और हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस या कर्ण 30 के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होता है, हाइपोटेनस या जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होगा। बस ये चीज़ें आप याद कर लो, इनके क्वेश्चंस आप लोग कितने फास्ट कर पाओगे वो आप लोग खुद चेक करना। याद रखना इसमें दो साइड लिख लो इसको, चाहिए आप लोग कॉपी में लिख लेना, जिन स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, दो साइड बराबर होती हैं और कर्ण रूट टू टाइम्स जब 45 दे दे, 30 के पास वाली साइड बड़ी, लिख लो इसको, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है रूट थ्री से, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। जब भी आप लोगों को लगे कि बड़ा बनाना है तो रूट थ्री से इंटू कर देना, 30 के पास वाली साइड मतलब रूट थ्री से गुना, और छोटा बनाना है तो भाग दे देना। कभी अगर ये नहीं आकर कोण आ जाए ये याद कर लो, मेंस में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये कोण दे देगा वो, ये कोण थीटा है, तो एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखते हैं, ये याद कर लो। ये अगर एच है तो एंगल के पास वाली साइड को कुछ बड़े क्वेश्चन जब 30, 60, 45 नहीं देगा तो उन क्वेश्चंस को भी हमें करना, तो फास्ट है ही, तो फास्ट अगर करना है तो तरीका होगा आप लोग उस वाले एंगल को हमेशा क्या करोगे, वो जो है अपने पास एच कोट, एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये 4 नंबर पॉइंट है बस, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को पता ही होने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स क्या पता होने चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए कि झील में, पानी में या कहीं पर भी अगर आपकी इमेज बनती है, छाया जो बनती है वो अगर एच मीटर ऊपर है तो इसकी जो छाया होगी वो भी एच मीटर नीचे दिखाई देगी। किसी पक्षी की, एरोप्लेन की, बादल की जो इमेज बनती है वो हमेशा उतनी ही नीचे दिखाई देती है, इमेज उतनी ही नीचे बनेगी जितना उससे ऊपर है। अगर 500 मीटर ऊपर है तो इमेज 500 मीटर नीचे, 400 मीटर ऊपर है तो 400 मीटर नीचे। कुछ लोग वाटर इमेज यहीं बना देते हैं जो गलत हो जाएगा। आप मिरर के जितने सामने होते हो, दूर होते हो, उतनी आपकी इमेज उससे दूर होती है आपसे इमेज में। आप नज़दीक आओगे तो आपकी इमेज भी मिरर में नज़दीक आती है, आप पीछे हटते हो तो आपकी इमेज भी पीछे हटती जाती है। तो यहाँ मत बना लेना, अगर 40 मीटर ऊपर है तो 40 मीटर नीचे बनेगी, ध्यान रखना। अगर किसी भी व्यक्ति की हाइट दी हुई है और यहाँ पर एंगल दिया, ये दिया हुआ है 30 मीटर मान लो, और व्यक्ति की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, तो ध्यान रखना एंगल अगर थीटा बन रहा है यहाँ पर कितने भी डिग्री, 30 डिग्री थीटा जो बन रहा है, तो आप 1.5 अगर दिया हुआ है तो यहाँ से 30 में से 1.5 कम होके और यहाँ पर 28.5 लिख लेंगे हम लोग, व्यक्ति की हाइट अगर दी हुई है तो। लेकिन कभी व्यक्ति की हाइट क्वेश्चन में नहीं दे तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ये 30 मीटर है और व्यक्ति की हाइट नहीं दी हुई है तो आपको पहले से यहाँ से एक्स नहीं मानना है कि यहाँ पर एक्स मान लिया और फिर सोल्व कर रहे हो, तो उसमें व्यक्ति की हाइट आपको कुछ नहीं माननी और क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आ जाए कि गुब्बारा व्यक्ति की आंख पर कोण बना रहा है तो ऐसे डायग्राम बनेगा, गुब्बारा व्यक्ति की आंख पर कोण बना रहा है तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना। और व्यक्ति की आंख यहां पर है ये, और अगर गुब्बारे का केंद्र जो है वो समतल के साथ कोण बना रहा है, सेंटर अगर कोण बना रहा है बीटा, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, अगर यहाँ पर ये जो कोण बना रहा है आँख पर अगर कोण बना रहा है तो वो अल्फा बनेगा, और गुब्बारे का सेंटर अगर समतल के साथ कोण बना रहा है तो डायग्राम ऐसे बनेगा।
बाकी जैसे हम लोग इनके क्वेश्चंस और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे, उस टाइम आप लोग समझ जाओगे कि अपने पास कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करना पड़ता है। एक दो जो पॉइंट हैं वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए सोल्व करवा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो कि आज की क्लास में जो पढ़ा है वो कितने काम का है। एक चीज़ ध्यान रखना, 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है किससे, रूट थ्री से। लगे बड़ा बनाना है तो गुना कर दो, लगे छोटा बनाना है तो डिवाइड कर दो। देखो कल की क्लास से क्वेश्चंस लिखे हुए आ जाएंगे, आज क्योंकि एक ही क्वेश्चन मुझे करवाना था तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंग्लिश में लिख दिया है और हिंदी में मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। कल से जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए आएंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड एंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्लाइंग बर्ड इज 100 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बर्ड इज 30 डिग्री। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन ए 20 मीटर हाई हाउस मेक्स ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बर्ड इज 45। इफ द बॉय एंड गर्ल आर इन अपोजिट साइड्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम गर्ल। हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूँ। एक लड़का एक समतल पर खड़ा है तथा 100 मीटर दूरी पर उड़ते हुए एक पक्षी को देखता है। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण पक्षी के साथ 30 डिग्री है। एक लड़की जो 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है और 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक बार पढ़ दिया है। क्वेश्चन कैसे करोगे, 100 मीटर दूरी पर उड़ते हुए एक पक्षी को देखता है एक लड़का जिसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे डायग्राम भी बनाते चलेंगे। एक लड़की जो 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। लड़की से पक्षी की दूरी हम लोगों से पूछी है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, सोल्व करते हैं। कर्ण जो होता है वो हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये अपने पास 100 है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 50, ये नीचे वाला 20 है तो ये 20, तो ऊपर वाला 30, ये 30 होना है तो ये 30, और 45 डिग्री अगर है तो अपने पास 30√2, ये अपना आंसर। कितना टाइम लगा, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को, जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं, चार पॉइंट जो मैंने सिखाए हैं उसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ना। मुझे पता है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 50% लोगों को इतना जल्दी कैसे कर दिया समझ में नहीं आया। फिर से समझाता हूँ, ये 100 है और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, तो 100 है तो ये 50, ये अपने पास 20 है तो ये भी 20 होगा, टोटल 50 था तो ऊपर बचा 30, और जब एंगल 45 डिग्री हो तो दो साइड हमेशा बराबर होती है 30 और 30, और कर्ण रूट टू टाइम्स होता है। अब तो समझ आया क्या, नहीं समझ में आया तो दो बार तीन बार चार बार वापस देखो। वीडियो को आप लोग शेयर करना आज, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाता रहूं। बाकी चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।